हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, अभी अभी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम जो है समाप्त हुआ है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए थे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये फैजाबाद मंडल का पेपर है, जो कि अभी अभी इसका कोड क्या है, 317 जिला कोड है, विषय कोड है, और 316 EJ ये पेपर का कोड है। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन सेक्शन सी में आए थे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड इनकरेजिबल। यहाँ पर वन वर्ड लिखना हुआ था। सेकंड क्वेश्चन देख लें, बी पार्ट में ए बोन ऑफ कंटेंशन, यहाँ पर इडियम्स फ्रेज आया था, ए बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, रीजन ऑफ क्वारल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी नंबर द सिनोनिम्स ऑफ बेन, बेन का मतलब क्या होता है, श्राप, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाए, कर्स। फिर डी नंबर की बात कर लें, ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, इसमें बताना था विच वर्ड इज इन सेंटेंस इज एन एरर, बताना था। देखिए यहाँ पर ए नहीं होगा, स्पीक द ट्रूथ होता है हमेशा। जल्दी सही देखते हैं, द एंटोनिम्स ऑफ एंशियंट, एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन, और इसका जो मॉडर्न हो जाएगा इसका एंटोनिम हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर में क्या है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ईजी आया था, ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, ही टोल्ड मी दैट, आई को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग तो ही वुड हेल्प, यू को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मी ही हो जाएगा, तो बनेगा क्या सेंटेंस, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। सेकेंड की बात कर लें, एनी वन करना था, कोई एक करना था, दोनों बता देते हैं, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। आइए देखते हैं बी नंबर में क्या था, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ही इज़ वेरी फैट, ही कैन नॉट रन, तो ही इज, इसको सिंपल होना था, तो ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट, यहाँ बन जाएगा वेरी घटा करके टू कर देंगे, ही इज़ टू फास्ट टू फैट टू रन हो जाएगा। अगली बात कर लें, सी इज रिच सी इज नॉट हैप्पी, कॉम्प्लीमेंट बनाना था, ऑल्दो सी इज रिच यट सी इज नॉट हैप्पी, ऑल्दो सी ये सेंटेंस बनेगा, ऑल्दो सी इज रिच यट सी इज नॉट हैप्पी। आइए देखते हैं फिफ्थ नंबर में, देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड, दे विल क्लोज ऑल द शॉप, पैसेज बनाना था, बहुत आसान था, ऑल द शॉप्स पहले लिखेंगे, ऑल द शॉप्स और विल है विल बी क्लोज्ड बाई देम, ईजी है। फिर देखते हैं पुअर्टी इज रियली अ कर्स, तो यहाँ पर देखते हैं इसका क्या बनेगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो इसका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनेगा व्हाट अ पुअर्टी इज कर्स, व्हाट अ पुअर्टी इज कर्स, ध्यान दीजिएगा, और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है। अब आइए देखते हैं डी नंबर, बात करते हैं डी नंबर की, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें बताना है, देखिए करेक्ट करना है, तो प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस, यहाँ पर देखिए नॉक के साथ एट का यूज होता है। फिर आई एम टू हैप्पी टू सी यू, इसमें बताना था, करेक्शन क्या था, आई एम टू हैप्पी टू सी यू, तो यहाँ पर टू के जब पे वेरी कर देंगे, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, और हमारा ये सेंटेंस एरर का भी हो जाएगा। और ई नंबर में क्या है, इसमें आपको क्या करना है, इन वन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर, देखिए यहाँ पर होमोफोन सी बात कर लें, तो ये कैरियर और ये कैरियर, इसको यूज़ करके बनाना है, और ये और लिखा हुआ है, तो ये मीनिंग है, ये आपको पता चल गया होगा क्या होता है, इसको आपने देख लिया होगा। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ही ईजी आए थे। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।